आपको जीआरएम मनिंदर उप्पल द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस के संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस का इंजन भी खास तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें कोच का निर्माण यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा के मद्देनजर किया गया है। इसमें कोच का निर्माण यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा के मद्देनजर किया गया है, लेकिन इसका इंजन कैबिन अलग कोच में है। इंजन मेट्रो एवं बुलेट ट्रेन के समान है। पूर्ण रूप से ये स्वचालित ट्रेन है। इस ट्रेन की कोच वातानुकूलित है और चेयर कार है। इसमें इमरजेंसी के लिए काफी मजबूत और भरोसेमंद मशीन लगाई गई है, जिससे ब्रेक लगते ही ट्रेन रुक जाएगी। इससे पीछे का धक्का भी नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से ट्रेन पलटने की संभावना नहीं के बराबर ही होगी। इसके साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ट्रेन में बनाए गए इंतजाम के बारे में जानकारी दी है। हमारा डिवीजन जो है नागपुर से दुर्ग के बीच में है, और ये ट्रेन जो है अधिकतम इस ट्रेन की क्षमता 160 की है, 160 km/h, और ये सेक्शन जो है 130 km/h के लिए फिट है। तो 130 km/h की स्पीड से अभी चल रही है, और ये 5.5 घंटे में नागपुर से बिलासपुर पहुंचेगी। इसमें जो आपने पूछा कि स्लाइडिंग डोर या एमरजेंसी एग्जिट में आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक एमरजेंसी हैंडल दिए हुए हैं। इसको आप खिड़की के वहाँ पे लाल निशान है, उसको अगर आप वहाँ पे चोट करेंगे तो ये पूरी खिड़की जो है बाहर आ जाएगी, एंड देन एमरजेंसी एग्जिट हो सकता है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट यहाँ पे किया हुआ है। अगर कोई अंदर अनहोनी होती है और किसी को ट्रेन रोकना है, तो एक बटन दिया हुआ है, उसको प्रेस करने से ड्राइवर के पास इंडिकेशन मिलेगा और ड्राइवर से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ये इसकी खूबसूरती है। जो एल है, जो आप जस्ट कोच के बाहर आप निकलेंगे तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं गार्ड से। गार्ड जो है फिर ड्राइवर से बात करके आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। हाँ, जैसा आपने ठीक बोला कि वंदे भारत ये 6वीं वंदे भारत है जो इंडियन रेलवे ने इंट्रोड्यूस करी, और ये नागपुर से बिलासपुर मतलब महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को जोड़ेगी, और 5.5 घंटे का इसका समय तय किया गया है जो नागपुर से बिलासपुर को जोड़ेगी। बीच में गोंदिया, राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर में रुकेगी। ये वंदे भारत जो है ये हमारे यहीं पे देश में इसका विकास हुआ है और इसको बनाया गया है। इस वंदे भारत में पैसेंजर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जैसे कि अंदर आपने देखा कोच में कैमरा लगे हुए हैं, एल में जो रास्ता है उसमें कैमरा है, दरवाजे पे कैमरा है, ड्राइवर के पास कैमरा है, जो साइड में उसको बाहर झांक के देखना होता था वो भी उसको कवर किया हुआ है। ड्राइवर के पास एक वीडियो आता है जिसमें पूरे कोच के जितने कैमरे हैं उसमें वो अपना पिक्चर देख सकता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई अनहोनी होती है, जैसे कोई फायर अगर लगता है, तो फायर डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है जिसके कारण ट्रेन अपने आप ही रुकेगी। अगर उसने डिटेक्ट किया है, अलार्म बजेगा और ट्रेन अपने आप रुकेगी। सब में स्लाइडिंग डोर हैं जो अंदर ही अंदर जाते हैं। दो कोच के बीच का अगर आपको देखा होगा कितना आराम से एक कोच से दूसरे कोच में जा सकते हैं। अंदर का एस्थेटिक लुक, अंदर का जो सीटिंग अरेंजमेंट है, एग्जीक्यूटिव क्लास में एक अलग दिया गया फैसिलिटी कि पूरी जो चेयर है वो 360 डिग्री घूम सकती है, तो आपको अच्छा व्यू मिल सकता है। कभी इसको इस साइड देखना है तो इस साइड बैठ जाइए, सामने देखना है सामने बैठिए, जिस डायरेक्शन में चल रही ट्रेन उस डायरेक्शन में घुमा लीजिए। ये एडवांटेज है। एयर कंडीशनिंग जो है वो सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग है, और उसको कंट्रोल ड्राइवर के पास एक लोकेशन है जहाँ से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा अंदर जो लाइटिंग अरेंजमेंट है बहुत ही बेहतरीन है, और बहुत सुखद इसमें आपको जर्नी का लुफ्त आएगा। ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी सेफ, बिकॉज इसमें कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ब्रेकिंग पावर बहुत अच्छा है, एक उन्नत किस्म का ब्रेकिंग पावर इसमें यूज़ किया गया है, और उससे ये बहुत जल्दी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन, दैट मीन्स जितने जल्दी ये तेज स्पीड पकड़ती है वो बहुत तेज पकड़ती है। तो स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू से, मोबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बेहतरीन ट्रेन है, और देश की एक ये 6वीं ट्रेन है जो हम इस इलाके में चलाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसे हरी झंडी दिखा दी है। हम नागपुर स्टेशन से ये ट्रेन जो है छूट चुकी है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी हमें दिखाई दे रही लोगों की। इसके साथ ही जो है आप देख पा रहे हो कि सभी लोग यहाँ पे इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। काफ़ी समय से ट्रेन में बैठे थे और वो जो उनकी उत्सुकता थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री है, उन्होंने हरी झंडी दिखा दी है और नागपुर से ये बिलासपुर के लिए ट्रेन जो है चल पड़ी है। अब
देख पा रहे हो कि यहाँ पे यहाँ से जो है नागपुर जंक्शन से जो ये ट्रेन है बिलासपुर के लिए चल पड़ी है। लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट थी इस ट्रेन में बैठकर सफ़र करने की, और वो पल जो है वो आ चुका है और ये ट्रेन जो है बिलासपुर के लिए आखिरकार रवाना हो चुकी है। कैमरा पर्सन अमोल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।